तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओए मतलब भीड़े अंकल कार ले रहे, कांग्रेचुलेशन सन हो यार, नाचो। बोले 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 बोले। अरे गोगी कार ले नहीं रहे, ऑलरेडी ले ली। ले लिए? हाँ, कांग्रेचुलेशन सोनू, और मुझे भी कांग्रेचुलेशन विश कर। मैं सही प्रूव हुआ, और ना मैं बेवकूफ बना ना मेरा कोई मजाक उड़ा। क्यों पिंको? यस सोनू, पुलिस इज एब्सोल्युटली राइट दिस टाइम। एनीवे ये ले, तू मिठाई खा और कांग्रेचुलेशंस फॉर द कार। ये जो मिठाई है ना, मैं तुम लोगों के लिए बचा कर लेके आया हूँ, वरना ये तो आते आते पूरी खा गया होता। अरे सोनू, भीड़े फैमिली में खुशियों की बहुत छार आने वाली है, तुम अपना मुंह मीठा कर यार। ए, गोली में मिठाई खा लूंगी, पर पहले तू मजाक करना बंद कर। सोनू तू ये सच बात ना मान करना, अपने आप पर बहुत बड़ा मजाक कर। देख सोनू, गोली एकदम सही कह रहा है, भीड़े अंकल ने सही में कार ली है, वो भी 4 लाख की। गोली, मेरे बाबा कार पे 40,000 भी खर्च ना करे, और तू 4 लाख की बात कर रहा है? कुछ भी। ओए हाँ यार गोली, कुछ भी मजाक कर रहा है। ए गोगी, सोनू मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। भीड़े अंकल और सोड़ी अंकल गए थे गाड़ी लेने। हाँ, वो तेनु कैसे पता? क्योंकि हमने उन दोनों का पीछा किया। हाँ। क्या क्या गोली, तू पीछा कर रहा था और भीड़े अंकल और पापा ने देखा तक ले? अरे हम लोग गेटअप बदल कर गए थे गोगी। वो हुआ यूं, हम लोग वहां से डायरेक्ट कॉस्ट्यूम वाले के पास गए, उनका कॉस्ट्यूम उनको वापस किया और डायरेक्ट यहाँ पर आ गए। ओ अच्छा, मतलब गोली लड़की बना था। अच्छा, तो तुम दोनों कह रहे हो कि तुम दोनों ने हस्बैंड वाइफ का गेटअप लेकर बाबा और सोडी अंकल का पीछा किया। ओ, और तुम दोनों उनके सामने गए फिर भी उन्होंने तुम्हें नहीं पहचाना? नहीं। देख गोली, मुझे ना तुम दोनों की बात पे बिल्कुल यकीन नहीं हो। मैं भी यकीन नहीं हो रहा। वो तुम लोग वहाँ गए थे तो फोटो तो खींचा होगा, फोटो तो दिखा? हाँ। यार पिंकू, हमने एक भी फोटो नहीं निकाला, फोटो निकालना तो रह गया। हाँ यार, पकड़े गए। गोली यार कितना मजाक करेगा, अभी बस कर। एक मिनट, तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है? नहीं। ठीक, अगर कल तेरी गाड़ी गोकुलधाम सोसाइटी 11 बजे पहुंच गई तो? तो तू जहां बोलेगा ना मैं तुझे वहां पार्टी दूंगा। ओके ठीक है, अगर कल सुबह तुम्हारी गाड़ी गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच गई तो तुझे मुझे कंटिन्यूस 7 दिन तक पिज्जा पार्टी देनी होगी, और माधवी आंटी के हाथ से बने हुए बेसन के लड्डू 1 महीने तक खिलाने पड़ेंगे। और अगर कल गोकुल धाम में कार नहीं आई तो? तो 7 दिन तक तुझे उपवास करना होगा और 1 महीने तक रोज कम से कम 25 उठक बैठक तो करना ही होगा। हाँ। और 7 दिन क्यों? 10 दिन तक, 10 दिन तक गोली सिर्फ पानी पे रहेगा, ठीक है? और 25 उठक बैठक नहीं, 50 उठक बैठक, और वो भी 1 महीने तक। डन। गोली, ऑन अ सीरियस नोट, अगर तू ये शर्त हार गया तो तुझे ये चैलेंज पूरी करनी होगी। वो तो हारूंगा तब ना सोनू, पर फिर भी ठीक है, डन। कल सुबह जो भीड़े अंकल ने गाड़ी खरीदी है वो तेरे और माधवी आंटी के लिए एक सरप्राइज है, ये प्रूव हो जाएगा। माइंड इट। ये पिंकू, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। ओए सुनो,
गोली के कॉन्फिडेंस को देखकर लग नहीं रहा कि ये मजाक कर रहा है, ये सच ही कह रहा है, क्योंकि गोली तो आधा दिन भी भूखा रहने का नहीं सोच सकता। हाँ गोगी, गोली कह के गया है कि वो 10 दिन सिर्फ पानी पर रहेगा, मतलब वो मजाक तो नहीं कर रहा है, सच बोल रहा है। हाँ सोनू, गोली पक्का मजाक नहीं कर रहा है। पर गोगी, बाबा इतना बड़ा फैसला आई को बताए बिना नहीं ले सकते। लेकिन भीड़े अंकल, माधवी आंटी और तुझे सरप्राइज देना चाहते हैं ना। हाँ। वाव गोगी, I can't believe this। हमारे घर में कार आ रही है। Congratulations। Thank you, thank you। पर बाबा ने इतना खर्चा किया कैसे? ओए सोनू, वो सब सोचना छोड़ना। वो तेरे घर गड्डी आ रही है, गड्डी। Congratulations। बल्ले 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 बल्ले। Thank you बाबा। माझे बाबा एकदम बेस्ट। लेकिन सोनू, ये खुशखबरी की गल माधवी आंटी को मत बता देना, उनके लिए तो सरप्राइज ही रहने देना। आप वैसे गोगी, ये इतनी बड़ी खुशखबरी है कि मैं आई को अभी जाके बताना चाहती हूँ। पर तेरी बात भी सही है, बाबा आई और मुझे सरप्राइज देना चाहते हैं। हाँ ऑब्वियसली, देख गोली की वजह से तुझे तो पता चल गया, लेकिन माधवी आंटी को सरप्राइज का पता नहीं चलना चाहिए। यस गोगी, यू आर राइट। मुझे भी लगता है कि आई को ये सरप्राइज बताकर बाबा की सरप्राइज नहीं बिगाड़नी चाहिए। परफेक्ट, भीड़े अंकल के पास फिलहाल दो खुशी की बात है, एक तो वो गड्डी ले रहे हैं वो, और दूसरी गड्डी देखकर तेरे और माधवी आंटी के चेहरे पर खुशी आएगी वो। सच में गोगी, ऐसे अचानक से सरप्राइज से मिली खुशी का ना मजा ही कुछ और होता है। मैं पक्का आई को नहीं बताऊंगी। हाँ। और वैसे भी मेरे बाबा हमेशा जो कुछ भी करते हैं वो मेरी और आई की खुशी के लिए ही करते हैं, तो बाबा के सरप्राइज की खुशी मैं आई के लिए सरप्राइज ही रहने दूँ। वाह माजी, समझदार मुलगी। मतलब तेरे बाबा ऐसे ही बोलेंगे ना। तुझे पता है गोगी, मैंने आज तक आई बाबा से कोई बात नहीं छिपाई है, तो जब तक ये बात मैं आई को नहीं बोलूंगी ना, मुझे ऐसे चैन नहीं मिलेगा। ओए सोनू, अपने इमोशन को थोड़ा कंट्रोल कर, एक ही दिन की तो गल है। सॉरी आई। ये अभी तक क्यों नहीं आया? बैंक में इतना थोड़ी टाइम लगता है, कोई पार्टी का पेमेंट लेने तो नहीं चले गए? एक तो ना सरप्राइज के बारे में बताया ही नहीं, कहाँ है देव जाने। मैं आई से इनडायरेक्टली जान लेती हूँ कि हमारी कार आएगी तो आई को कितनी खुशी होगी। आई, अरे तेरी प्यारी आई, क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, काम कर रही हूँ, और क्या। ओ, मुझे लगा तुम बाबा को याद कर रही हो। नहीं नहीं, मैं उनको कभी याद नहीं करती हूँ भाई। अरे उनको बोलती नहीं हूँ ना, तो याद करने का सवाल ही नहीं आता है, बड़ा असम। ओह सो स्वीट, पता नहीं कहाँ रह गए हैं, आए नहीं अभी तक। ओ, किसी अच्छे काम में बिजी होंगे। अच्छे काम में? हाँ, मतलब मेरे बाबा तो अच्छे और परफेक्ट काम ही करते हैं ना, जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाना, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी का ख्याल रखना, तुम्हारे अचार पापड़ के बिजनेस में तुम्हारी मदद करना, और तुम्हें मधु मधु कह के प्यार करना। तो ये सब अच्छे काम है, हो कि नहीं? वाह वाह वाह, बाबा का प्रशंसा पुराण चालू कर दिया तुमने तो। वाह, तो करूंगी ना बाबा सभी का, और खास करके तुम्हारा और मेरा कितना ख्याल रखते हैं, तुम्हारी मेरी खुशी के लिए कितना कुछ करते हैं। वैसे आई, बाबा कुछ सरप्राइज देने वाले हैं ना? वो ना, लेकिन बता ही नहीं रहे हैं क्या सरप्राइज देने वाले। ए, तुझे क्या लगता है क्या होगा सरप्राइज? कुछ भी हो सकता है आई, मतलब छोटी बड़ी कोई भी सरप्राइज हो सकती है। बड़ी सरप्राइज क्या होगी? बड़ी सरप्राइज में बड़ा टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, आउट ऑफ इंडिया टूर, और कार। नहीं 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 सोनू, ये सारी चीजें वो हमसे पूछे बिना फाइनल भी नहीं करेंगे, सरप्राइज तो दूर की बात है। हाँ बरोबर है, पर कार? नहीं नहीं, कार तो शक्यस नहीं, हम जीत करेंगे ना तो भी नहीं लेंगे वो, कल ही हमारी बात हुई थी इस पर। आई पॉजिटिव सोचो ना, सोचो अगर बाबा ने कार ली तो। आजकल में तेरी किसी फ्रेंड ने नई कार खरीदी है क्या? हाँ हाँ, तभी बार बार कार के बारे में बात कर रही है। अरे आई, इधर उधर की बात छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि अगर बाबा ने कार ली तो
आपका शक किस नहीं है? आई झूठ तो झूठ, पर मान लो कि बाबा ने कार ली तो पर बड़ा जो होने ही वाला नहीं है उसको कैसे मान लूं मैं? आई मेरे लिए मेरे कहने पे मान लो। इमेजिन अगर भीड़े फैमिली में कार आई तो। अच्छा ठीक है, तेरे कहने पर मैं मान लेती हूँ कि अगर हमारी नई कार आई तो सबसे पहले मैं खुश होऊंगी। वाह। उसके बाद तेरे बाबा पे मैं बहुत नाराज होऊंगी और हो सकता है हम दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा भी हो। काय क्यों? कसे बड़ा, कार हमारा सपना हो सकता है लेकिन हमारी जरूरत नहीं। अभी बहुत सारी जरूरत की चीजें हमें करनी बाकी है। मंजे मुझे और बाबा को तुझे और पढ़ाना है, तेरी शादी के लिए गहनों का खर्चा है, घर में और भी छोटे मोटे खर्चे हैं, उसको पूरा करना है, कार नहीं। पर आई मान लो अब बाबा ने कार ले ली तो? अगर उन्होंने कार ली ना सोनू तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, मैं उन पे बहुत गुस्सा होऊंगी। आई तुम मजाक कर रही हो ना? नहीं बिल्कुल नहीं। और उन्होंने अगर कार क्यों ली इसके 10 बहाने मुझे दिए ना तो भी मैं नहीं मानने वाली हूँ। ये सरप्राइज तो घर में खुशियाँ लाने की बजाय टेंशन ला रहा है। काय करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे आइए आइए बाबा, बस मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। पानी नहीं चाहिए, तू भी बैठ। कहाँ थे आप बैंक का कहकर कहाँ गए थे? दोपहर के खाने के लिए भी नहीं थे। आओ, मैं जरा दोस्त के साथ बाहर गया। बाबा आप थोड़े से थके हुए लग रहे हो। थका हुआ नहीं, मैं तो उल्टा खुश हूँ। क्यों खुश क्यों है? नहीं मतलब खुश होना अच्छी बात है, पर क्या खुशी की वजह है? सरप्राइज। अरे देवा, काय तुमसे चालना है सकाळ पासून? सुबह बोल के गए कल के लिए सरप्राइज है, अभी मैं खुशी की वजह पूछ रही हूँ तो भी बोल रहे सरप्राइज है। काय सरप्राइज चालवलं आहे? वो कल का सरप्राइज ही बाबा की खुशी की वजह है। तुला कसं माहिती? आपकी बेटी हूँ ना बाबा, समझदार, तो थोड़ा जजमेंट तो बाबा मेरा भी लग जाता है। मी काय म्हणते, आप बच्चों को हमेशा समझाते हो ना कि कल करे सो आज, आज करे सो अभी, तो अभी बता दीजिए ना कल का सरप्राइज क्या है। नहीं ये नहीं मानेंगे। हम क्यों खामखा गेस कर रहे थे सोनू? तुम दोनों क्या गेस कर रहे थे? वो हम लोग गेस कर रहे थे कि कल सरप्राइज में टीवी, फ्रिज, आउट ऑफ इंडिया टूर, ऐसा कुछ हो सकता है। तुम दोनों जो सोच रहे हो इससे कोई सरप्राइज नहीं है। अरे अभी ये गेस करना बंद कर दो। तुम गैस पे चाय रखो, चाय पीने है मुझे। मी नहीं ठेवणार चा। सरप्राइज क्या है बताइए, फिर रखती हूँ चाय। नहीं बाबा, कल का सरप्राइज अभी मत बताना, नहीं तो ऐसे मजा चला जाएगा। मैं आपके लिए मस्त पेगी चाय बना के लाती हूँ। ए बाबा की लाडली, बस खाली मैं बना के लाती हूँ। मैं भी आपको वो बात नहीं बताऊंगी। कौन सी बात? सरप्राइज है। अरे कौन सी बात माधवी, ये कौन सी बात की बात कर रही थी? बाबा आई मस्ती कर रही है। वो आपने आपके सरप्राइज के बारे में आई को नहीं बताया ना, तो ऐसे ही आपके साथ मस्ती करने के लिए आई ने ये सरप्राइज की बात कही। लबाड़, तुम्हारी आई भी ना कमाल है, जरा भी पेशेंस नहीं है उसमें। कितनी बेचैन है सरप्राइज जानने के लिए, और तुम देखो कितनी शान। तुम्हें पता है सरप्राइज पूछी नहीं जाती, उसका इंतजार किया जाता है। सॉरी बाबा, मुझे आपकी सरप्राइज पता है, लेकिन आई को पता चला तो आई का दिमाग चाय की तरह गर्म हो जाएगा। देवा, कल तक आई को बस सरप्राइज के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। गोली, तू ये सरप्राइज के बारे में ना तेरे घर पे किसी को बताना मत। नहीं नहीं, मैं क्यों बताऊंगा यार, वो तो सोनू को बताना इम्पोर्टेंट है, इसलिए बता, और किसी को नहीं बताऊंगा, टेंशन मत। बच्चा, बे दोस्त का पीछा करो, मिशन पूरा हो गया। कैसा रहा? मस्त मस्त, बढ़िया। ए भाई, तुम लोगों ने अपने दोस्त का ही पीछा किया है ना? मतलब दोस्त नहीं था लेकिन पहचान वाला ही था पोपट अंकल।
बोली बेटा मैं पत्रकार हूँ, पत्रकार और पुलिस को सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव से पता चल जाता है कि बात क्या है। कोई बात है ही नहीं तो बब्बू डंकर। देखो बच्चों, गेटअप के लिए मैंने आप लोगों की हेल्प की थी ना, तो फिर बताओ अभी क्या है। कल को तुम लोग किसी प्रॉब्लम में फंस गए और मुझे अगर सच नहीं पता है तो मैं तुम लोगों की हेल्प कैसे करूंगा? बताओ किसका पीछा किया? देखिए पोपट अंकल, आप हमारे फेवरेट अंकल हैं। आपसे क्या झूठ बोले, एक्चुअली हमने पीछा भीड़े अंकल और सोडी अंकल का किया था। क्या? भीड़े और सोडी का? क्यों? ओ, भीड़े अंकल कार ले रहे हैं। क्या? भीड़े ने कार ली है? पोपट अंकल धीरे से बोलिए। भीड़े कार ले रहे? हाँ। नहीं नहीं नहीं, मैं ये बात को नहीं मानता। क्या मजाक कर रहे हो तुम लोग? मैं भीड़े को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो इस तरह का खर्चा कभी नहीं करेगा। उसके बाद सखारा में तो नई गाड़ी क्यों खरीदेगा? ऐसे सेम सोनू ने गोली को कहा था और दोनों में चैलेंज जैसी बात हो गई, इसीलिए हमने उनका पीछा किया ताकि गोली अपनी बात प्रूफ कर सके। वो हुआ यूं कि और उनके गाड़ी की डिलीवरी कल सुबह 11 बजे होने वाली है। अच्छा, ये तो कमाल हो गया। भिड़े ने नई कार खरीदी है, तो बड़ी खुशी की बात है। अभी उसे फोन करके कांग्रेचुलेशंस बोलता हूँ। नहीं 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 पोपट अंकल, भिड़े अंकल ने ये बात सोडी अंकल के सिवा किसी को भी पता लगने नहीं दी है, और ये बात उन्होंने सरप्राइज रखी है। और अगर आप ये बात उन्हें बता दोगे तो फिर सरप्राइज सरप्राइज नहीं रहेगा ना पोपट अंकल। हाँ। अच्छा, सोडी को बताई, मुझे नहीं बता रहा। ठीक है, भिड़े को अगर मुझे बताने में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं भी सामने से फोन करके कांग्रेचुलेशंस क्यों बोलूं? तो फोन करना कैंसिल। वैसे गोली बेटा, तुम्हारे डेडिकेशन को मानना पड़ेगा, अपने मिशन के लिए तूने लेडीज का गेटअप कर लिया। ओनली बिकॉज ऑफ यू पोपट अंकल, थैंक यू। ऑलवेज ऑलवेज एनी टाइम वेलकम बेटा, वेलकम। ओके पोपट अंकल, हम निकलते हैं। हां, निकलो निकलो, चल चल, बाय पोपट अंकल, बाय बाय बाय। कमाल है, भिड़े ने कार खरीद ली, मुझे नहीं बताया। कोई बात नहीं दोस्त, तूने भले मुझे नहीं बताया लेकिन मैं गोकुलधाम की पुरुष मंडली को जरूर बताऊंगा। पहले जेठालाल। बोलो बोलो पोपटलाल। जेठालाल, आज रात को क्या कर रहे हो तुम? कुछ खास नहीं, बोलो कहीं जाना है? जाना नहीं, तुम्हें आना है मेरे घर पर रात को 9 बजे। क्यों? मुझे एक जबरदस्त ब्रेकिंग न्यूज मिली है, वो तुम्हें बतानी है। अच्छा, क्या 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 न्यूज मिली? अभी नहीं बता सकता। क्यों? अरे मैं सोसाइटी कंपाउंड में खड़ा हूँ, यहाँ बताते हुए किसी ने सुन लिया ना तो हंगामा हो जाएगा। ओहो, ऐसे क्या ब्रेकिंग न्यूज मिली है भाई? अरे मैंने बोला ना भाई, तुम रात को आओ, मैं विस्तार में सब बताता हूँ, ठीक है? ओके चलो बाय। अभी हाथी भाई। हेलो हाथी भाई, पोपटलाल बोल रहा हूँ। अय्यर भाई। बेटा, इतनी बड़ी बात हम दोस्तों से छुपाई है ना, रात को सबको मिलने दे, तय करते हैं कि तेरे साथ क्या किया जाए। तो दोस्तों फिलहाल गोकुलधाम में शांति है, लेकिन आप जानते हैं गोकुलधाम की शांति आपकी गलतफहमी है। ये शांति बड़ी अस्थाई है, ये तूफान के पहले की शांति है, ये शांति कभी भी भंग हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ हवा का एक छोटा सा झोंका बवंडर का रूप ले सकता है, और वो लेने वाला है, गोकुलधाम में होने वाला है एक बहुत बड़ा धमाका। गोकुलधाम में कुछ ऐसा खौफनाक और हैरत अंगेज घटने वाला है कि आपके हाथों के तोते उड़ जाएंगे। लेकिन क्या होगा वो ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।